पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद को तलब कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए हुकाम को भी तलब कर लिया है। तफसीलात बताने के लिए इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखें, पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और जो गिरफ्तारियों का केस है वो हाईकोर्ट इस्लामाबाद पहुंच गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद और एफआईए हुकाम को जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की जानब से वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस और एफआईए ने गुज़िश्ता रोज मरकजी ऑफिस पर छापा मारा था। पुलिस ने रोफ हसन और खवातीन मुलाजमीन को भी जो है वो गिरफ्तार किया था, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो समाअत की और अदालत ने जो है वो डीआईजी ऑपरेशंस और एफआईए हुकाम को आज ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुछ देर जो है वो तलब कर लिया है। कुछ देर बाद डीआईजी ऑपरेशंस और एफआईए हुकाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेश होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका।